कोरोना के साथ अब ब्लैक फंगस बीमारी ने भी अपने पांव पसारना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में इस बीमारी से लड़ने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स कोठीपुरा के विशेषज्ञों ने बिलासपुर अस्पताल में तैनात चिकित्सकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष चर्चा भी की है। साथ ही यहाँ के चिकित्सकों को ये आश्वासन दिया है कि वह इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस दौरान दोनों संस्थानों के विशेषज्ञों ने इस बीमारी को लेकर लंबी चर्चा कर बहुत सारी प्लानिंग भी तैयार की है, जिसको जल्द अंतिम प्रारूप दिया जाएगा। जानकारी देते हुए बिलासपुर के एमएस डॉक्टर एनके भारद्वाज ने बताया कि ब्लैक फंगस बीमारी को लेकर अस्पताल प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अस्पताल परिसर में जल्द ही एक आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर एक कार्य योजना बनाई जा रही है। साथ ही इस बीमारी की दवाइयां सहित उपकरण भी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रख दिए जाएंगे, ताकि अगर जिला में इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो उसे इस आइसोलेशन वार्ड में रखा जा सके। एक ब्लैक फंगस जो आई है उसका भी केस हमारे देश में भी और प्रदेश में भी, तो जैसे आज भी आपको पता चला है कि हम हिमाचल में भी जो 4-5 केस हमारे ब्लैक फंगस के आ गए हैं, और प्रदेश देश में तो आपको मालूम है कि जगह जगह के धीरे धीरे फैल रही है। तो इसके लिए हम भी इसके लिए सजग हो चुके हैं और इसके लिए हमने भी तैयारी की हुई है। अब लेकिन अभी शुक्र है कि हमारे यहाँ बिलासपुर से अभी तक हमारे पास कोई ऐसा कोई केस आया नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनसे पूरे कॉन्टैक्ट में, जैसे एम्स में हमारे ENT के सर्जन हैं उनसे भी हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थे, हमारे भी ENT सर्जन हैं, वो आपस में बातचीत होती रहती है कि हमने किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है। तो उन्होंने भी हमें इंश्योरेंस दिया कि अगर कोई ऐसा केस आता है तो हम भी आपके पूरे इसमें हेल्प करेंगे, तो उसके लिए हम भी उनका धन्यवाद करेंगे, और अगर ऐसे केस आएंगे तो हम पूरी तरह तैयार हैं।